नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके सिंह ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। स्कूल में एडमिशन कराने को लेकर के जिलाध्यक्ष ने दबंगई दिखाई, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके सिंह ने बताया कि बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने मेरे विनम्र आग्रह करने पर भी मेरे साथ बहुत अधिक अभद्रता की। मेरे आवास पर गुंडों के साथ जिलाध्यक्ष आए थे। बीएसए बीके सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर महानगर की एक नामी गिनामी सरजी बियर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से निकाले गए कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। राजेंद्र के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री मालिक के पुत्र ने इस मामले में कुछ जानकारी न होने की बात कही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज 19/8/2022 को थाना आरसी मिशन में एक व्यक्ति की फांसी से लटका हुआ शव बरामद हुआ। यह व्यक्ति, इसका नाम राजेंद्र प्रसाद है, इसकी उम्र लगभग 56 वर्ष है और ये पिछले 30 वर्षों से एक निजी कंपनी में कार्य कर रहा था। मृतक के विरुद्ध थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर में 420/467/68/71 का मुकदमा पंजीकृत है और इसकी जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने इस कंपनी के मालिकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा करके अपनी जान देने के बारे में लिखा है। अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर के मुंडावर के दर्जन भर गांव में पहाड़ों की बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है। साथ ही गांव की सड़कों में गंगा का कई फीट पानी घुस गया है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने मंदिर मस्जिदों में ऐलान करवा दिया है कि लोग गंगा पार न जाएं। बाढ़ के हालात की वजह से ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारे की भी दिक्कत हो रही है। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी के शिवगंज में तेज रफ्तार के कारण दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो ट्रकों के पर खच्चे उड़ गए। इस घटना में दोनों ड्राइवर, एक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को CSC में भर्ती कराया है। अगली खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हापुड़ कोल्ट कांड जैसी वारदात हो सकती थी। मामला जरवा थाने का है, जहां पुलिस ने जीप में पीड़िता को लावारिस हालत में छोड़ दिया। कोर्ट के बाहर अकेली पुलिस जीप में बैठी पीड़िता का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि किसी मामले में पीड़िता का पुलिस कोर्ट में बयान दर्ज करवाने लाई थी, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा के लिए आए पुलिसकर्मी जीप में नदारद दिखे। ऐसे में पीड़िता के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। अगली खबर एटा से है। एटा के आगरा रोड पर बावसा गांव में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली खाई में पलट गई, जिसमें दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर श्रावस्ती से। श्रावस्ती के मजरा परसिया गांव में तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल रहा। तालाब में मगरमच्छ होने की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई हैं। इसी तालाब के किनारे कई ग्रामीणों के आशियाने भी हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इसका रेस्क्यू किया है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग के इस लापरवाही के कारण कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती थी। खबर ललितपुर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर है। वहीं किशलवास में न्योर नाला में पानी का बहाव बढ़ने से दो महिलाएं सहित चार लोग खेत में फंसे रहे। सुबह SDM सदर और पुलिस ग्राम प्रधान ने रेस्क्यू ऑपरेशन से सभी लोगों को बाहर निकाला। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां ईंख के खेत में अधेड़ का शव मिला है। बताया जा रहा है कि गला रीतकर हत्या की गई है। वहीं गांव के व्यक्ति की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर पौड़ी से है।
जहां यमकेश्वर विधानसभा में पर्यटकों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ और रिसोर्ट संचालक। 19 अगस्त की देर रात भारी बरसात के चलते यमकेश्वर के मोहन चट्टी क्षेत्र के शिव विला और सिल्वर रिवर रिसोर्ट में 24 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और रिसोर्ट के संचालक चेतन ने सरकारी मशीनरी के सहयोग से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दिन रात तैनात होकर के आपदा राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नौ सांस्कृतिक सत्संग समिति के तरफ से भगवान कृष्ण को खूब आकर्षक ढंग से सजाया गया। भगवान कृष्ण का डोला फूल मालाओं से सजाया गया। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने इस समिति भवन में भगवान कृष्ण के भजनों को गाकर पूरे क्षेत्र को कृष्णमयी कर दिया। वहीं छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण और राधा रानी की भूमिका में नजर आए। पूरे क्षेत्र में परिक्रमा के बाद डोला देव मंदिर में विसर्जित कर दिया गया। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर नैनीताल जिले में दुखद खबर सामने आई, जहां कोसी नदी में एयरफोर्स के दो जवान डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों जवान एयरफोर्स यूनिट भवाली में कार्यरत थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक जवान का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।